तो दोस्तों मेरे साथ हैं यहाँ पर एजर टेलीकॉम के स्टूडेंट। आपका नाम क्या, कहाँ से हैं? मेरा नाम साहिल गोस्वामी है, फ्रॉम बिहार। साहिल, मुझे बताओ कि आपने बिहार से पूरे इंडिया में जबलपुर एजर टेलीकॉम को ही क्यों चुना, रीजन दो थोड़ा सा। सर, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी थी। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखता था। मैंने एजर टेलीकॉम के वीडियो देखे, उसमें मैंने देखा कि 3 दिन में ही मतलब कि सारे कंपोनेंट की जानकारी उसको मिल जाती है, ट्रेसिंग वगैरह सारे बता रहे थे। और एक सबसे बड़ी बात थी कि 1 महीने में मोबाइल सीखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब 1 महीने में सिखा दिया जाता सारी चीज़ें, लड़कों का परफॉर्मेंस मैंने देखा, तो मैंने तय किया कि मुझे एशिया अच्छा, सीखनी है। मतलब सबसे बड़ी बात सर, मैंने एक वो बॉक्स था जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट 250 रुपये में बेच रहे थे, फिर मैंने देखा कि आपने उसको खोल के दिखाया, मैं उसमें कुछ था नहीं, बस बैटरी था। तो ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसी दिन मैंने कॉल कर दिया था। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपने यहाँ पर आए यहाँ पर और आपने चुना, तो आपको यहाँ पर क्या मिला, सेटिस्फाई है कि नहीं, ये बताइए यहाँ पर। पूरा सेटिस्फाई है सर, जो चीज सोच के आए थे वो सारी, और जो चीज यूट्यूब जो चीज यूट्यूब में आपने देखी थी वो सारी 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 की सारी चीज हकीकत यहाँ पर देखने को मिली। वो मैंने उसी जैसा मैंने वीडियो में देखा, 3 दिन में सारी चीज पता चला था। उसे तुम्हारा भी वीडियो बना था 3 दिन का, हम लोग का भी मतलब पता चला कि 3 दिन, वाकई 3 दिन में कंपनी की जानकारी हो जाती है, सीरीज पैरेलल वगैरह सब चीज जानकारी हो जाती है, ये बहुत है। और क्या राय देना चाहते हो बिहार के लड़कों को कि क्या वो एक इंस्टीट्यूट चुनते समय क्या चीज देखे, जो तुमने सही चीज देखी क्या देखना चाहिए? जरूरी नहीं है कि वो यहीं आए, कहीं भी जाए, पर क्या देखना चाहिए? पहले तो उसकी उसका उनका वीडियो वगैरह है, तो उनसे मतलब कि उस सर का वो ना देखे, वो उनका स्टूडेंट क्या मतलब बोल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो पहले आप चुनिए, ऑनेस्टी देखिए। और मैं वहां से मतलब यहाँ आया तो ये सीखने के लिए आया, तो मैंने ये सोचा था कि मतलब कि सारी चीज़ें मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए थी। तो बहुत सारी जगह 4 महीने 5 महीने लेते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत कम पैसे में गरीब आदमी आके पढ़ सकता है, रह सकता है इतने कम पैसे में, ये चीज बहुत बड़ी सही बात है। बाकी इंस्टीट्यूट 40-40, 50-50 हजार भी ले रहे हैं, महीने भी लेते हैं, पैसे ही बहुत ज्यादा, तो उतना पैसा है नहीं सब। नहीं, सही बात है। तो मतलब आप एसी टेलीकॉम से सेटिस्फाई हैं? टेलीकॉम से पूरी तरह सेटिस्फाई है। और आने वाले लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं भी बहुत कोशिश किया था कि ऑनलाइन से मैं सीख पाऊं, क्योंकि पैसे ज्यादा थे। हाँ, वेरी गुड, ये टॉपिक उठाना बहुत जरूरी है, मैं सीख पाऊं ऑनलाइन से सबसे, लेकिन ये संभव नहीं, मतलब यूट्यूब से ही सीख लो आप। लेकिन ये मैं बहुत कोशिश किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि कम पैसे में एक मतलब गरीब का छात्र भी आके पढ़ सकता है, तो मैंने ऐसा टेलीकॉम चुना। आप भी आइए, जुड़िए ऐसा टेलीकॉम से, बहुत अच्छी है, जैसा मतलब कहते हैं वैसा ही है, इससे कहीं ज्यादा मिलेगा, ये मेरा खुद का ही है। तो साहिल, ये बिहार से हम इनके लिए यही कामना करते हैं कि अपने जीवन में ये काफी उन्नति करें और एक अच्छे टेक्नीशियन बने, और जो भी ये अपने लाइफ में बनना चाहते हैं वो सारी चीजें इनको मिले। थैंक यू साहिल। थैंक यू सर। So, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूं कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इसमें देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, MI, Xiaomi, Samsung और MediaTek के या Qualcomm के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफी अच्छी बुक है और काफी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। Amazon, 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000.